तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी होंगे अच्छे से और ठीक ठाक होंगे। तो चलिए हम आज इस वीडियो में जानेंगे इंटरनेशनल फ्लाइट से रिलेटेड जो भी नया अपडेट है इसके बारे में। पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया टू सऊदी अरेबिया डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट जो शुरू हो चुका है उसका। अभी टिकट का प्राइस कुछ कम हुआ या फिर उतना ही अभी चल रहा है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो इंडिया से सऊदी अरब जा रहे हैं, तो वही लोग जो है बताते हैं और उन लोग से जो है कमेंट कुछ भी हमको जानकारी मिलता है इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट से अगर आप सऊदी अरब का टिकट लेते हैं तो अभी के स्थिति में डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट का टिकट आपको ज़्यादा करके नहीं मिल रहा होगा, या फिर मिल भी रहा होगा तो उसका टिकट का रेट मैं आपको बता देता हूँ। लगभग अभी 1 लाख से ऊपर आदमी लोगों को जो है ले रहा है। नॉर्मल क्लास का मैं आपको बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे ट्रेवल एजेंट वाले ये कहते हैं कि आपको पैकेज लेना होगा दुबई का, दुबई में आप 14 दिन रुकिए। डायरेक्ट फ्लाइट तो चालू है लेकिन उसका टिकट का रेट बहुत ही महंगा है। इसके कारण आदमी लोग क्या करते हैं, दुबई जाते हैं, दुबई में 14 दिन बिताने के बाद सऊदी अरब जाते हैं, तो उनको अभी के स्थिति में 70,000 रुपया लगता है। लेकिन आदमी लोग यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है और बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो डरा के रख दिए हैं आदमी लोग को। इसके वजह से जो है परेशान है कि फ्लाइट जो है बंद होने वाला है, नया मैक्रोन वायरस आ गया है। तो ये बात सच है कि नया वायरस आ चुका है इंडिया में भी, 30-40 आ चुका है। तो क्या इसके कारण फ़्लाइट जो है सस्पेंड कर देगा सऊदी गवर्नमेंट? मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बताता हूँ कि सऊदी गवर्नमेंट जो फ़्लाइट खोल दिया है, फ़्लाइट सस्पेंड होने वाला है। 1 दिसंबर से फ़्लाइट खुल चुका है। अगर आपको इंडिया से सऊदी अरब जाना है तो डायरेक्ट फ़्लाइट या फिर बाया दुबई, बाया ओमान, बाया कतार, इस तरीके से आप जा सकते हैं। देखिए क्वारंटाइन का नियम तो सऊदी गवर्नमेंट ने हटा दिया है, लेकिन ट्रैवल एजेंट वाले क्यों कहते हैं कि आपको 14 दिन दुबई में रुकना होगा? क्योंकि जो उसका नियम है, पैकेज का रेट है, उस हिसाब से वो लोग पैसा लेते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप दुबई भी जा सकते हैं, लेकिन अभी के स्थिति में देखिए जो नया वायरस आया तो हो सकता है कि सऊदी गवर्नमेंट जब वायरस बढ़ने लग जाते हैं अपने मुल्क में या फिर कोई सा भी देश में, देखते हैं जैसे कि इंडिया में देखेंगे डेली 100, 200, 500, 1000 केस आ रहे हैं, तो इसके कारण हो सकता है तो सऊदी गवर्नमेंट फ़्लाइट को सस्पेंड भी कर सकता है। ये आप लोग देख ही रहे होंगे 2-2.5 साल से, जब से नया वायरस आया तब से सऊदी गवर्नमेंट इसी तरीके से कर रहा है, या फिर इंडिया गवर्नमेंट। अभी इंडिया गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो इंडिया गवर्नमेंट भी दिल्ली एयरपोर्ट पर अगर आते हैं तो पहले जो नियम था, जो लोग सऊदी अरब से या फिर गल्फ कंट्री से कहीं से भी आएंगे तो उनको PCR टेस्ट करवाना होगा, उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, उसके थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होगा। तो ये सब सिस्टम जो है एयरपोर्ट सब में अब जो लोग गल्फ कंट्री से या फिर बाहर देश से आएंगे उन लोगों को किया जाएगा। तो इंडिया गवर्नमेंट भी नियम लगा रहा है, यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट भी लगा रहा है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट इंडिया और पाकिस्तान के लिए मुझे नहीं लगता है कि 2-3 महीना, देखिए 2-3 महीना भी अगर फ़्लाइट को बंद नहीं करता है तो बहुत लोग जो परेशान थे 2-2.5 साल से वो लोग निकल जाएंगे। उसके बाद बंद भी कर देता है 1-2 महीना, उसके बाद खोल भी देता है, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस इतना जल्दी जाने वाला है नहीं। तो इसके कारण से हो सकता है कि सऊदी गवर्नमेंट फ़्लाइट को बंद ना करे। तो उम्मीद रखिए, उम्मीद के ऊपर दुनिया चलता है, तो इतना घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आपको कोई बोलता है कि फ़्लाइट बंद होने वाला है, आप टिकट बुकिंग ना करें, ऐसा करें वैसा करें, इसके चक्कर में ना रहें, फ़्लाइट चालू है। आपको कोई ट्रेवल एजेंट वाले कहता है इतना पैसा लगेगा तो 10-20 हज़ार ऊपर या नीचे उतना मत देखिए, आपको निकलना है तो इंडिया टू सऊदी अरेबिया निकलने का पूरा कोशिश करिएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।